प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत सुंदर है, रोचक है, ध्यानपूर्वक कहानी को सुनिएगा। अरे सर, क्या बात है, फिर कहानी? हाँ, तो कौन सी नई कहानी है आज? अरे सर, कोरोना काल में मोटिवेशन के लिए कहानी बहुत जरूरी है, सुनाइए सर। अरे सर रुकिए, मुझे भी आपकी कहानी सुननी है। आपकी कहानियाँ तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही प्रेरक होती हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। एक राजा था, उसके राज्य में एक व्यक्ति था जो काफ़ी आलसी था। वह उसका अधिकांश समय सोने में जाता था। उससे उसके घर वाले भी, उसकी माँ और उसके आस पड़ोस के लोग काफ़ी परेशान रहते थे। कुंभकर्ण तो नहीं था सर? कुंभकर्ण तो नहीं था, लेकिन सोता अधिक था तो कुंभकर्ण ही समझ लो। लेकिन एक विशेष बात थी उसमें, वो सोने के पश्चात सोते समय सपना देखता था और वो सपने उसके सच्चे होते थे। क्या बात है। हाँ, सपने उसके सच्चे होते थे और जो भी सपना देखता था वो रियल लाइफ में वो घटित हो जाता था। ये तो बहुत अच्छा सर, लेकिन काम नहीं करता था। लेकिन काम नहीं करता था। अब एक बार वो राजा के दरबार में गया और राजा से उसने विनती की कि मुझे काम पर रख दो। तो वालों ने कहा होगा उससे, अब कुछ तो कर ले, कुछ तो कर। हाँ, उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। उसने कहा, बेटा ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा, तो अपना काम ढूंढ, कहीं पर काम कर, कल को शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, हाँ ये अपना परिवार बनाएगा और घर तो, की जिम्मेदारियां भी होंगी। तो उसको एक जागृति जैसी मिली, माँ से मोटिवेशन जैसा मिला और वो सीधे राज दरबार में पहुंचा। तो राजा ने कहा, भाई क्या काम करेगा? उसने कहा, जो काम दे देंगे आप। और चूंकि राजा को उसने बताया और राजा को उसकी जानकारी भी थी कि ये सोते रहता है, ठीक है, उसने कहा, भाई आप मेरे यहाँ चौकीदारी का काम करेंगे। राजा चतुर था। अब चतुर था, उसने तो काम देना ही है, एक काम हो सकता है। तो उसने काम किया, वहाँ चौकीदारी का काम किया और रात में चौकीदारी का काम किया जबकि वो सोया रहता था। और जब प्रातः उठता था तो उसको सपना होता था, जो उसके बारे में वह राजा को बताता था। हाँ, तो जैसा कि वो अपने सपने के बारे में राजा को बताता था। अरे सर, फिर सपना आ गया उसे? हाँ, उसको जब एक सपना हुआ तो उसने राजा से कहा कि आज राज्य के उस स्थान पर एक भूकंप आने वाला है, आप वहाँ मत जाइएगा। तो राजा नहीं गया, ठीक है, और भूकंप आया, वहाँ जनहानि भी हुई, धनहानि भी हुई। फिर दूसरे दिन फिर एक सपना और हुआ उसको। अब दूसरे दिन का जो सपना था, उसने राजा से कहा, महाराज आज एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। तो राजा ने कहा, क्या बात? निगाह में रात में सोया था और आज हमारे राज्य में आक्रमण होने वाला है। तो राजा पूर्व में ही आक्रमण के लिए तैयार हुआ और अपने राज्य को उसने बचा दिया। राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने राज दरबार में उसको बुलाया, काफ़ी धन दौलत उसको इनाम में दिया। लेकिन निकल पड़ी। हाँ दिया, लेकिन उसको साथ ही साथ नौकरी से बेदखल भी कर दिया। अरे, नौकरी से निकाल दिया? वो तो बड़े काम का आदमी था। लेकिन निकाल दिया। तो बड़ा अब सर, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, राजा ने उसको नौकरी से क्यों निकाला जब वो इतना सही था, उसके फायदेमंद था, उसने उसको नौकरी से निकाल दिया? तो आप लोग आप बताइए। हाँ, मेरे हिसाब से तो सर वो सपने ही देखते रह रहा था और उसको डरा रहा था। आप बताइए सर। वो बिना काम के खाली सपने पे ही विश्वास कर रहा था और काम विश्वास करता था।
चलिए अब आप बताइए सर। सर मुझे लगता है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था, उसको चौकीदारी के लिए रखा था लेकिन वो सो के सपने देख रहा था। सो के सपने देख रहा था, तो सर का उत्तर हमें सही लगा। हालांकि आप लोगों का उत्तर भी, अपने विचार भी सही है, लेकिन जो विशेष है असलियत में जिस काम के लिए उसको रखा गया था वो काम उसने नहीं किया। बिल्कुल सर, यही करना है। हाँ, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यक्ति को उसके काम के आधार पर वरीयता मिलनी चाहिए। काम के आधार पर वरीयता मिलनी चाहिए और जो काम उसको सौंपा गया उसे उसको ईमानदारी से ईमानदारी से करना चाहिए और लगन से अपने काम को पूरा करना चाहिए। हालांकि राजा को एक तरफ तो लाभ हो रहा था लेकिन वास्तविकता ये थी कि जिस पद पर उसको नियुक्त किया गया है उसको उसका निर्वाहन वो सही तरीके से नहीं कर रहा था। ये कहानी का अंत है और इससे बहुत ही बढ़िया कहानी थी सर। सर बहुत अच्छा लगा, और अच्छी ऐसी कहानियां। तो बच्चों सर जल्दी से दूसरी एक और नई कहानी बनाना। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगा और अच्छी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।